हमारे आज की यह रिपोर्ट झाबुआ में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों की ओर इशारा करती है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और उनकी आपत्तियों का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पैटलावद अंतर्गत कार्यकर्ता सहायिका रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2022 में विज्ञप्ति जारी करते हुए लगभग 33 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक परियोजना स्तर पर आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए वर्ष 2024 में खंड स्तरीय चयन समिति के द्वारा 23 आंगनवाड़ी केंद्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया था। शिकायतकर्ता कुमारी राधा डामोर के अनुसार जिला मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की एवं कलेक्टर जन सुनवाई में उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चयन समिति के द्वारा कुमारी राधा की योग्यता के अनुसार पात्रता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने के बाद भी आज दिनांक तक विधिवत आपत्ति का निराकरण करते हुए जिला मुख्यालय एवं परियोजना स्तर से नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया गया। उक्त संबंध में हमारे ब्यूरो के द्वारा अजय चौहान सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला झाबुआ से वर्जन चाहे जाने पर कहा गया कि इशिता मसानिया परियोजना अधिकारी पैटलावद से उक्त संबंध में जानकारी लेने के बाद ही कुछ बता पाएंगे एवं उक्त संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी राजू सिंह बघेल ही आपको वर्जन दे पाएंगे। तत्पश्चात परियोजना अधिकारी पैटलावद इशिता मसानिया को संपर्क किए जाने पर कॉल अटेंड नहीं किया गया। शिकायत जांच विचाराधीन है। मार्कशीट आदि दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित को पत्र जारी किया गया है। शिकायत जांच विचाराधीन है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या शिकायत आवेदन लेके आए थे आप? सहायिका की शिकायत लेके आए थे। आपने भरा था सहायिका के लिए? कौन से गांव से? बावड़ी रंगपुला फलिया। जन सुनवाई में आज आपने आवेदन किया जी, अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? उसने बोला धीरे धीरे काम चलेगा, ऐसा बोल रहा उसने। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नंबर पहले नंबर पे आना था तो मेरे को 9 नंबर पे डाल दिया उसने। मेरे अनुसूची के नंबर नहीं जुड़े गए हैं। फिर वो हमारे गांव बावड़ी रंगपुरा फलिया वाली लड़की शादीशुदा है, उसने हमारे गाँव में फॉर्म में डाले तो उसने कह रहा है कि शादीशुदा है तो उनके गांव में करेगा, हमारे गांव में करेगा वो, तो इसलिए तो हमने उससे दबाव डाल के शिकायत कर रहे। 2.5 से 2 साल हो गया, हमारा निराकरण नहीं हो रहा। और गांव में बोलते हैं लोग कि उसने तो पैसे भर दिए तो उसका काम कर रहा है कि होगा, तेरा नहीं होगा, ऐसे बोल देते हैं मेरे को। तो किसको पैसे दिए ऐसा कोई किसी का अधिकारी का नाम वगैरह लिया गया? उसने अधिकार का नाम नहीं लिया पर वो बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं हमको, वो सामने से वो बोलते हैं कि बातचीत करते हैं उसका हो जाएगा, उसने पैसे खा रखी है। मतलब महिला बाल विकास में बिना पैसे दिए आप लोगों का काम नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा। पैसे देने पड़ते हैं। 20 जून को फैसला तारीख थी, तभी तक हमारा जांच होगी आपकी, तो जांच कितना टाइम हो गया? 4-5 महीने हो गए हमारा, अभी भी बोला कि कलेक्टर मैडम नहीं मिली, अभी भी बोला उसने कि जांच धीरे धीरे चलेगा। कब तक चलेगा? क्या हमारी नौकरी चले जाएगी तब? 3 साल तो होने आ गए। क्या नाम क्या है आपका पूरा? सावित्री गरवाल। कौन से गांव के? बावड़ी रंगपुरा फलिया के। और लाख क्या लगता है? तहसील पेटलावर लग। क्या शिकायत लेके आए थे सर? जो ये शिकायत लेके आए कि जो मेरा नाम पहले नंबर पे है कर रखा, और अभी बोल रहे कि तुम इस पर मतलब मूल निवासी कालीघाटी पहले क्या देखा, अभी वो ऐसे बोल रहे। पहले तो बोल दिया कि वहाँ आगे से तो आ गया कि मूल निवासी तू कालीघाटी, और अभी बोल रहे हो कि तुम मूल निवासी कालीघाटी के नहीं है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता, कैसे नहीं है? वो आगे से सर ने क्या देखा पहले, है ना? वो सब कुछ तो आगे से और अभी वो बोल रहे, बार बार बोलते, वो जो हमने शिकायत कर रखी उन्होंने भी बोल दिया कि वो तुम मूल निवासी कालीघाटी के नहीं है, ये सब शिकायत क्रमांक में बता रहे। तो ऐसा क्यों मैं बता रहे कि मूल निवासी मेरे पास है ना, वो देख लो ना, तो मेरा मूल निवासी क्या मेरे घर से थोड़ी बना, वो आगे से बना के
ऐसा तो मेरे को ना निरंकार नहीं कर रहे और आदेश नहीं दे रहे, तो इसलिए हम से यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला आज जनसुनवाई में? ऐसा बोला कि वो हो जाएंगे और जाएंगे, अभी 2.5 साल हो गए तो नहीं हो रहा, कब हो जाएंगे? बोले कि हो रहा है, ऐसे बोले धीरे धीरे होगा और कैसे जल्दी थोड़ी हो जाएंगे, ऐसा बोले आज वाले में। तो ऐसे और हमारे गांव वाले बोले कि तुम्हारे आदेश कहाँ से मिल जाएंगे, वो पैसे खा रखे हैं तो उनका होगा तुम्हारा नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा, मेरा नाम तो प्रथम नाम पे है ना, चयन किया गया। और गांव में सब बातचीत करते कि तुम्हारा प्रथम नाम है तो क्या करे, वो तो ऐसे ही मतलब है, तो उन्होंने पैसे खा रखे तो तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा बोले। और सुपरवाइजर ने बोला कि तुम्हारी शिकायत वापिस खींच लो, और किसने बोला शिकायत करने का, ऐसे बोलते सुपरवाइजर हमको, डराती है कॉल करके। शिकायत वापस लेने का दबाव बनाए, हाँ दबाव बनाते हैं। बोले कि आपने शिकायत क्यों करी और किस लिए, तो मैंने बोला कि क्यों, हमारे शिकायत करने का फर्ज नहीं है क्या, करेंगे हम शिकायत, जो हमने फार्म डाला, हाँ निराकरण नहीं हो रहा था, हम शिकायत नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करें। तो बोले सुपरवाइजर ने फोन लगाया और बोले कि आपकी शिकायत वापिस खींच लो, ऐसे बोलते। आपका पूरा नाम क्या है और किस गांव से? मेरा नाम राधा डामर है और निवास काली घाटी हूँ, शाही काका। मेरा नाम रानू गामड़ है, मैं अम्बापाड़ा से हूँ। और मेरी मैंने कार्यकर्ता के लिए आंगनवाड़ी में फॉर्म डाला था, जिसमें मेरी अभी तक नियुक्ति नहीं की गई। उसमें मेरा पहले नंबर पे मतलब मैंने श्रेणी सुधार की हुई है, जिसमें मेरे नंबर पहले कम थे और अभी श्रेणी सुधार में 78% बने हुए, जिसमें मेरे 44 अंक बनते, पर मेरे है ना लिस्ट में मेरे 44 अंक दिए ही नहीं दिए गए, 12वीं में अंक ही नहीं जोड़े गए, जिससे मेरे को नियुक्ति नहीं दी गई। और हमने जन सुनवाई में भी आवेदन किया था और सीएम हेल्पलाइन पे भी किया था, तो वो बोलते कि इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला है और तुम जो शिकायत करते वो शिकायत नहीं लेते, वो पता नहीं उसमें पता नहीं दूसरी शिकायत डाल के हमको परेशान करते हैं कि तुमने आंगनवाड़ी में इसके लिए क्यों शिकायत करी, ये वो मतलब कुछ भी उनके ही मन से शिकायत कर देते हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग शिकायत वापिस ले लो। कौन अधिकारी के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि शिकायत वापस? झाबुआ से हमारे पास कॉल आया था। अधिकारी का नाम वगैरह? अजय सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने शिकायत क्यों की, तुमको आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा, ये वगैरह, ये शिकायत करने का अधिकार कौन देता है? आप लोगों ने नियुक्ति के संबंध में शिकायत? हाँ जी सर। और वो आंगनवाड़ी के भोजन के संबंध में बात? हाँ। तो ऐसी कोई शिकायत आप लोगों ने की थी? नहीं की थी सर, हमको उससे मतलब ही नहीं है ना सर, हमको तो हमारे नियुक्ति से मतलब है सर। हाँ निराकरण चाहिए हमको। तो कुल मिला के आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है? हाँ सर। कितना समय हो गया शिकायत का? सर अभी तो हमने 2 बार शिकायत कर दी है और इस आवेदन के तो सर 2-2.5 साल हो गए सर। 3 साल होने वाला। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि हमारा है ना हमारे नंबर दे दो सर, हमको जो 12वीं के अंक नहीं दिए गए उस हिसाब से हमारी नियुक्ति हो जाएगी सर। आज आया तो क्या आश्वासन मिला? यही बोला कि तुम्हारी है ना निराकरण चल रहा है अभी और हो जाएगा बहुत जल्दी, इतनी जल्दी निराकरण नहीं होता है, यूँ बोलते वो लोग। और जांच करेंगे बोल रहे थे, तो कब तक सर, कितना टाइम लगता है सर जांच करने में? इतना टाइम थोड़ी लगता है क्या? 3-4 महीना हो गया। किस पद के लिए आपने आवेदन किया? कार्यकर्ता आंगनवाड़ी में। क्या पूरा नाम है और कौन से गांव से? मेरा नाम रानू गामड़ है और मैं अम्बापाड़ा की रहती हूँ। क्या शिकायत आवेदन लेके आए थे सर? मेरी शिकायत है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सर। कौन से गाँव से आए थे? ग्राम पंचायत रुंजी से। किस पद के लिए आपने आवेदन किया था? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। किस संबंध को लेकर आपने जो आपत्तियां की वो निराकरण क्यों नहीं हो पाया सर? नहीं हुआ अभी तक, उसके पास 10वीं 12वीं की अंक सूची फर्जी है और उसने BPL पुराना लगा रखा है, वो भी फर्जी है सर। BPL कैसे फर्जी है कुछ सर? उसके पास वो उसका हस्बैंड सेल्समैन है, वो ऑलरेडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नौकरी कर रही, उसके पास ट्रैक्टर मकान दुकान सब कुछ होने के बाद, जगह जमीन होने के बाद वो BPL के पात्रता में थोड़ी आती है सर। क्या वर्तमान स्थिति उसकी अच्छी है? वो BPL के पात्रता में नहीं आती है और उसके पास 10वीं और 12वीं की अंक सूची फर्जी तरीके से बनाई हुई है। MP बोर्डा की नहीं है सर उसके पास। अच्छा,
आपने ये शिकायत में आपत्ति में सारी चीजें लिखी है? हाँ जी सर, लिखी हुई है। जांचकर्ता अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोल रहे हो जाएगा निराकरण आपका हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा सर? 2.5 से 3 साल होने वाला। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारा जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। दो दो तीन तीन बार दावा आपत्ति लगा दी और बैठक भी हो गई तो भी निराकरण नहीं हुआ। सी हेल्पलाइन पे शिकायत करते, वर्षा चौहान मैडम बोलती है कि आपकी बोल देती है कि आपका निराकरण किया जाएगा, आप जाबा कार्यालय में आओ। हम यहाँ आते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आपकी शिकायत वापस ले लो, आपका निराकरण किया जाएगा। तो सर निराकरण नहीं होगा तब तक हम हमारी शिकायत कैसे लेंगे वापस? शिकायत लेने का दबाव? हाँ, दबाव डालते हैं कि वो झूठ बोल बेवकूफ बना के घर से बुला लेते हैं कि आपका निराकरण हो रहा, आपका सारे डॉक्यूमेंट लेके झाबुआ आ जाओ। हम यहाँ आते तो बोलते कि आपकी शिकायत बंद कराओ। ये इस तरीके से गुमराह करके किसने बुलाया था आपको, कौन अधिकारी? सर अनिल सर ने फोन लगाया था और वर्षा मैम ने बातचीत की कि आपकी शिकायत वापस ले लो। तो सर शिकायत क्यों ले, हमारा जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक शिकायत थोड़ी लेंगे क्या? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मीरा, पिता गल्या गामड़। कौन से गाँव से? गाँव रुंजी पेटलावत। क्या शिकायत आवेदन लेके आए थे आप? सर मैं कैलाशी डामर, मैं छोटा बोलासा से हूँ। आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए हम शिकायत लेकर आए थे। सर हमारी शिकायत ये है कि हम लोग अभी भी हमने शिकायत दर्ज करवाई थी यहाँ पे तो उसका भी कोई निराकरण नहीं हो पाया और अभी फिर हम लोग आए हैं, बस हमको झूठे दिलासे दिए जाते हैं कि हाँ हो रहा है, निराकरण हो रहा है, पर कोई जवाब नहीं आता किसी का भी। और फ़ोन आते हैं तो फ़ोन पर सिर्फ हमको दी जाती है, झूठ बोला जाता है कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, अभी कुछ नहीं हो सकता है, हो रहा है, या फिर तुम आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ और अपनी शिकायत वापस ले लो। बस ऐसे ज़्यादातर हमको ऐसा बोल बोल के और दुड़ा रहे हैं सर। इससे क्या है कि हम लोग परेशान हो गए हैं सर। ये जो आप बता रहे हैं कि हमको इस तरीके से झूठा आश्वासन या गुमराह करते हैं, जी कौन अधिकारी ने आपको गुमराह किया? सर क्या है कि अधिकतर हम यहाँ पे झाबुआ जब भी आते हैं तो जो यहाँ के बाल विकास के जो सर मैडम हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है और अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस ऐसा ही बोल बोल के बोलते हैं कि नहीं उन लोगों का हो गया, तुम्हारी चयन भी हो गया है और आदेश भी दे दिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता सर? अब क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने कब से मतलब आवेदन डाला था, उन लोगों ने मैम लोगों ने लिस्ट लगाई, हमने आपत्ति ली, आपत्ति की मतलब निराकरण नहीं हुआ तो सामने वाले पक्ष को मतलब आदेश कैसे मिल गया सर? ये तो हमारा बनता है ना, अगर ए ग्रेड पे वो लोग आए हैं तो ए ग्रेड के हिसाब से ग्रेडिंग तो सभी की हुई है ना सर, तो सभी की ग्रेडिंग होनी चाहिए, उसमें से हम परसेंट वालों की ग्रेडिंग हो ऐसा कहाँ नियम है सर? नियम के अनुसार अगर ग्रेडिंग होती है तो ए जिनका बन रहा उनको 60 अंक मिल रहे हैं तो उसकी ग्रेडिंग होगी तो उसको 40 अंक मिलेंगे और 10 आठवीं वाले के और ST के 10 मिलके 40, 50, 60 अंक होते हैं सर। तो बाकी जो लिस्ट में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी मतलब आवेदक जितने भी आवेदन आए हैं उनके सभी की ग्रेडिंग की जाए सर। हमारा यही कहना है कि सभी की ग्रेडिंग सही से की जाए, अंक तालिका के हिसाब से सर। 70 अंक बनते हैं क्योंकि मेरा भी बी ग्रेड है सर, बी ग्रेड के हिसाब से मेरा 50% है और मेरा बी ग्रेड बनता है। 10 और 10, 20 मिलकर मेरे 70 अंक बनते हैं जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आता है। और सर वरीयता के हिसाब से जिसकी अधिक उम्र होती है, अगर समान अंक मिलते हैं तो जैसे जिसकी अधिक उम्र मिलती है नियम के अनुसार वो ही महिला चयन में की जाती है। सब नियम हम लोग बता रहे हैं, सर लोग मैडम लोग कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं सर। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए हैं, आप हमारा निराकरण जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कीजिए। आज क्या आश्वासन दिया जनसुनवाई में आप आए तो? सर वो कुछ नहीं, बस पिछली बातें यही है कि हाँ हो रहा है, सर अंदर बैठे थे उन्होंने बस यही कहा, नहीं चल रहा है। कब चल रहा है? मतलब 2-2.5 साल हो गए हैं सर। और मतलब झाबुआ में जब निराकरण हुआ था 20 जून को जब आए थे, आज 4-5 महीने होने वाले हैं, कब हो रहा है सर? बस बोलते हैं हाँ हो रहा है, तुम्हारा चल रहा है, कब हो रहा है, कब होगा इसका निराकरण? हमको जवाब चाहिए सर।
मेरे मेरे जहाँ पे मैंने आवेदन किया है वहाँ पे हम लोगों का जो किलोमीटर की दूरी से चलता है, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो लड़की जहाँ पे लगी उसका चयन हुआ है, वो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे चल के हमारे गांव में काम करने आ रही है। तो सर, हम डामर फलिया की आवेदिका हूँ, मैं डामर फलिया में निवास करती हूँ। अगर डामर फलिया से वो 2-3 किलोमीटर से दूर से चल कर आ रही है तो ये तो नियम के विरुद्ध है ना, ये नियम के विरुद्ध है, तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा सर? जो भी 1 से लेकर 8 तक महिलाएं हैं वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहला नंबर तो हमारा, पहली पात्रता हमारी है सर, क्योंकि हम डामर फलिया की निवासी हैं और मेरा प्रमाण पत्र है निवासी प्रमाण पत्र जो डामर फलिया का ही है। मेरे घर से आंगनवाड़ी की दूरी 0 है, पर ये इसका विरोध क्यों हो रहा है सर? इसका जवाब, इसका निराकरण हमें करवाना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।